नमस्कार, विराट 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं पूजा। प्रशासन के द्वारा एफआरबी वाहन इसलिए जिलों को दिए गए थे कि घटना की जानकारी लगते ही मौके पर टीम पहुंचेगी और घटना की जानकारी अपने वरिष्ठ अधिकारियों को देंगे। टीम मौके पर ही पहुंचकर उक्त मामले का वीडियो और फोटो बनाकर अपलोड करेंगे, लेकिन वहीं एफआरबी वाहन के कर्मचारियों का खुद ही लोग वीडियो बनाकर वायरल कर रहे हैं। ताजा मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के घोघर मोहल्ले का है, जहां शराब के नशे में धुत लोगों ने दंपति के साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट भी की। इतना ही नहीं, नशे में धुत लोगों ने जान से मारने की धमकी भी दी। घटना की जानकारी पीड़ितों के द्वारा पुलिस को दी गई तो मौके पर पहुंची एफआरबी के दो कर्मचारियों ने कहा कि पहले एफआईआर करवाओ। पीड़ितों ने यहां तक कहा कि अगर बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो आत्महत्या कर देंगे। तो पुलिसकर्मियों ने कहा कि चाहे जो कर लो, लेकिन कार्रवाई तभी होगी जब एफआईआर कराओगे। पीड़ितों की माने तो सभी आरोपी बगल के घर में मौजूद थे, जिनकी पहचान योगेंद्र पटेल निवासी बड़ी पुल घोंगर के रूप में हुई है। पीड़िता अर्चना नामदेव ने बताया कि आरोपियों के द्वारा उसके पति अरविंद के साथ मारपीट करते हुए उसे घायल कर दिया गया। मारपीट करने वाले लोगों में आधा दर्जन लोग शामिल थे, जिनमें तीन को वो पहचानती है। मारपीट करने वालों में मोनू, संजय एवं लोली के साथ अन्य तीन लोग थे, जो लगड़ा होटल वाले के बेटे हैं। जो वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, उसमें पीड़िता के द्वारा कहा जा रहा है कि आरोपी अभी नशे की हालत में है और सभी घर में है। तो पुलिस अब शब्द कहते हुए कहती है कि पहले एफआईआर दर्ज करा, उसके बाद ही कोई आगे की कार्रवाई करेंगे। जबकि पीड़ितों का कहना था कि आरोपियों को पकड़ा जाए और वो साथ में ही चलकर एफआईआर करवा देंगे। मौके पर पहुंची पुलिस ने ना तो कोई कार्रवाई की और ना ही आरोपियों को पकड़ा। दूसरे दिन पीड़िता थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई है। दरवाजा नहीं खुलवा रहे हैं, बोल रहे हो, बताओ नहीं वोट नहीं किए आप किए हैं, बताओ इनको, बताओ बताओ बताओ, ये बोल रहे हैं कि रिपोर्ट मत करो, रिपोर्ट मत करो, बोलो सब बोलो, बनाओ वीडियो बनाओ, बोल रहे हैं कि उनको नहीं निकालेंगे बाहर, रिपोर्ट मत करो, बनाओ 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 भाई, बोलने निकालेंगे नहीं, है ना अरविंद भाई, अरविंद भाई इधर आओ, आपके साथ क्या क्या किया गया बताओ। दुलारे लंगड़ा होटल के लड़के, लंगड़ा होटल का लड़का ना, हाँ, और कहाँ पे रहता है, ये घर है ना, ये घर है ना, क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ये बोल एफआईआर करो, एफआईआर है ना, बोलेंगे रही है साथ। आपने क्या बोला रिपोर्ट कराने में, सामने बोलिए, आप बोलिए, बोलिए 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 साहब बोलिए, हाथ नहीं, हाथ नहीं लगाना, हाथ नहीं, गलत बात नहीं, हाथ नहीं लगा रहे, दूर से अरविंद भाई, अरविंद भाई दूर से, दूर से, दूर से, दूर से, दूर से, हाँ वीडियो बनाओ, बन रही बन रही, वीडियो बनाओ, कलेक्टर के यहाँ फांसी लगा दूंगा, आप सबको वर्दी चली जाएगी, रिपोर्ट करना है आपकी, वर्दी चली जाएगी, रिपोर्ट करना है आपको, आप लगा के हाथ दिखा, आप जाओ यहाँ पास, ड्रिंक कौन किया है, ड्रिंक कौन किया है, ड्रिंक से मतलब नहीं है, आपका हाथ पकड़ने का हक नहीं है, पहली चीज, ड्रिंक कौन किया है, आपका हाथ पकड़ने का हक नहीं है, कोई भी रूल ऐसा नहीं है, पहली चीज, पढ़े लिखे हैं, गवार नहीं है कहीं के, आप लोग कैसी बात करो, वो सामने सब चोर घुसे हुए हैं भाई, एफआईआर करो, अरे यार एफआईआर करेंगे, मुजरिम वहाँ पे बैठा हुआ है, चलो भाई, ए चलो कोतवाली, चलो जिसको जिसको मारे आओ, चलो कोतवाली, चलो हम लोग आ रहे हैं, वार्ड नंबर 19 में ज्ञान मेमोरियल स्कूल के पास हम लोग रहते हैं, और वही ज्ञान मेमोरियल स्कूल के में ही एक किराएदार रहता है, जिसका योगेंद्र पटेल नाम है, किराएदार है वो। अब रात को कल हमारे बच्चे का जन्मदिन था, तो मेहमान आए हुए थे, तो वही गैलरी में हम लोग छोड़ने गए हैं रास्ते में ही, तो अगला व्यक्ति पी खा के खड़ा हुआ था और हम लोगों से बातचीत ये करने लगा कि तुम लोग कौन हो, यहाँ क्यों भीड़ लगाए हो। तो हमने बोला भाई अभी हमारे घर के सब मेहमान आए हुए हैं, आप आपसे क्या मतलब, कोई दिक्कत है, बोली दिक्कत नहीं, तुम हमको नहीं पहचानते हो, हम बोले भाई नहीं पहचानते, हम भी तो यहीं पे रहते हैं, हो गया। इतने में वो गाली गलौज करने लगा, लपटने लगा, मारपीट करने लगा। इसके बाद हम लोग छुड़ा उड़ा के किसी तरीके से वहाँ से चले आए, फिर योगेंद्र पटेल के 6 लड़के आए हैं लाठी डंडा लेके, 6-7 लड़के आए हैं। ये कौन है योगेंद्र पटेल? योगेंद्र पटेल वही किराएदार है, ज्ञान मेमोरियल में किराएदार है वो, स्कूल में रहता है। फिर उसके दोस्त आए हैं 6-7 लोग लाठी डंडा लेके, तो
तो हम लोग मेहमान को छोड़ के जैसे ही रोड से अंदर आने लगे तो ये लोग हम लोगों के ऊपर लाठी की बरसात कर दिए, लाठी मारने लगे। ठीक उस तरीके से किसी तरीके से आदमी बचा उचा के बाहर आया, फिर अपने घर चले आए। वहाँ अब थाने का अब कल जब हमने 100 नंबर को फ़ोन लगाया था, 100 नंबर को फ़ोन लगाने के बाद वो आए तो मैंने उनको बोला यहाँ मुजरिम अंदर बैठे हुए हैं तो आप उनको पकड़ लीजिए। तो वो बोले पहले FIR करवाओ फिर इसके बाद हम पकड़ेंगे। और इस तरीके से मतलब वो 100 नंबर वाले बात कर रहे थे, हमारी बात को मतलब सुन ही नहीं रहे थे। नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम अरविंद नाम। कहाँ के रहने वाले हैं? हम बड़ी पुल घोंगर में। कौन सा थाना लगता है? यही सिटी कोतवाली। हमला है, कौन मारपीट किया है? ये कल मेरे बच्चे का बर्थडे था तो सारे मेहमान बाहर आए हुए थे, मेरे हस्बैंड उनको छोड़ने गए थे तो वो किराएदार योगेंद्र पटेल वहाँ पे खड़े होके इनको गाली गलौज करने लगा। किस कारण से गाली गलौज? बस वहाँ पे भीड़ होने के कारण से वो गाली गलौज करने लगे। इसके कारण वो मना करने लगे, भाई ऐसा क्यों बोल रहे हो, क्या है, हम लोग तो यहाँ पे रोड में खड़े हैं, सरकारी रोड है। तो बोले कि नहीं यहाँ पे भीड़ मत लगाओ, बस हो गए। वो भीड़ किए हुए थे इसके कारण से उनको मारने लगे। उनके भाई उनको मारते हुए देखा, हमने बचाने गए तो वो हमको ही मारने लगे। आपके ऊपर भी हाथ उठाए? मेरे ऊपर भी हाथ उठाए हैं। उनका नाम है, एक का नाम संजय। कितने लोगों ने मिलकर मारपीट की? 6 लोग मारपीट किए हैं। और योगेंद्र सिंह ने फोन लगाया उनको। ये लोग कहाँ के रहने वाले हैं? ये घोघर के ही रहने वाले हैं, यहाँ पे बिंकर चौराहे के पास रहते हैं। उसकी शिकायत आपने कहाँ की? सिटी कोतवाली में। वहाँ से आपको क्या बोला गया? मतलब हम लोग 100 नंबर को कॉल किए, वो वहाँ पे आए लेकिन उसका कोई उनका मतलब हम लोग को रिस्पॉन्स नहीं मिला। उल्टा वो हम ही लोग को चिल्लाने लगे, इस तरह से करने लगे। किस कारण से आप लोगों को चिल्लाने लगे? वो भी ड्रिंक किए हुए थे। हम लोग बोले पुलिस अंदर पुलिस वाले ड्रिंक किए हुए। हम बोले सर क्यों अंदर छुपे, उनको बाहर निकाली। तो बोले मैं क्यों निकालूं, किसी दरवाजे में रख के नहीं खोलूंगा। बोले सर आप देखते हो भाई मुजरिम छुपा हुआ है, हम लोग को मार रहे हैं, आप उनको बाहर नहीं निकाल रहे? बोले हम नहीं जाएंगे। उल्टा हमारे हस्बैंड को ही लेके चले आ रहे थे। ठीक ठीक नाम बता दीजिए। अर्चना नाम दे। खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज़। नमस्कार। खुल गया खुल गया खुल गया, आपके शहर में सर्व सुविधा युक्त स्काई रेस्टोरेंट खुल गया। वेज नॉन वेज भोजन का लुत्फ उठाने के लिए अवश्य पधारें। हमारे यहाँ स्काई स्पेशल थाली के साथ जन्मदिन, तिलक, एंगेजमेंट, रिसेप्शन के लिए हॉल उपलब्ध है। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए संपर्क करें 9039033661 पर। पता याद रखें, स्काई रेस्टोरेंट, विश्वविद्यालय रोड, लोटस टावर, खुटे ही, रीवा।